किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, मैंने अपने अमरूद का जो बाग है इसके चारों ओर नींबू का पौधे लगाए हुए, हिंदी में इसको नींबू कहते हैं लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए दो शब्द प्रयोग करते हैं, एक है लाइम और एक है लेमन। क्या आपको पता है कि दोनों में क्या अंतर है? ये मुझे एक प्रोफेसर ने बताया था। मैंने जो पहली लाइन है जो अमरूद के पास की उसमें लेमन लगाया गया है, और जो उसके बाहर वाली लाइन है जो आउटर लाइन है इस खेत की उसमें नींबू लगाया गया है। ना इंटरेस्टिंग बात, आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं आपको इसमें कई अंतर दिखाऊंगा, कम से कम 5 अंतर बताऊंगा, और आज के बाद आप ये जान जाएंगे कि नींबू में लेमन और लाइम में क्या फ़र्क होता है और दोनों क्या चीज़ है और दोनों की क्यों महत्वपूर्ण है। ये इस वीडियो का पहला भाग है जो मैं नींबू और लेमन पर बनाने जा रहा हूँ, और दूसरे भाग में मैं ये बताऊँगा कि इसका खाद प्रबंधन कैसे करते हैं और इसमें क्या बीमारियाँ आती हैं और उनका किस प्रकार हम प्रबंधन करते हैं या उनसे किस प्रकार देख रेख करते हैं। तो आइए देखते हैं नींबू यानी लाइम और लेमन का अंतर, और ये क्या होते हैं, इनके पौधे किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार इनके पौधे बनते हैं। आइए देखते हैं। किसान भाइयों, ये देखिए, ये मेरा इस तरफ अमरूद का बाग है जिसकी कटिंग हुई हुई है, हमने 3 फरवरी को जिसकी कटिंग की थी, और इसके जो दक्षिण दिशा में है इस प्रकार ये दो लाइनें नींबू की है। जो ये लाइन देख रहे हैं बड़े बड़े हैं ये लेमन हैं, और जो ये आप देखेंगे इसके बाद में जो पहले हैं ये नींबू का पेड़ है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये नींबू का पेड़ है। जब भी बात करते हैं, आज आपसे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करूंगा, देखिए कि हिंदी में नींबू है इसका अर्थ, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसको लाइम और लेमन कहते हैं। तो ये मुझे तब पता चला जब मैं इस पर खोजबीन कर रहा था, तो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, वहाँ एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछा, त्यागी साहब आप लाइम लगाना चाहते हैं या लेमन लगाना चाहते हैं? तब मुझे पता चला कि ये दो वैरायटी होते हैं। आइए मैं आपको इससे परिचय कराता हूँ कि लाइम और लेमन में क्या है। मैं आपको 5 अंतर ऐसे बताऊँगा जिससे कि आप देख सकें। आप इस पेड़ को थोड़ा ध्यान से देखिए, आप क्या महसूस करते हैं इसमें। ये देखिए, ये पेड़ है एक लेमन का, एक ये पेड़ है। इसकी मैंने कटिंग कर दी थी थोड़ी सी, जब ही जैसे ही सरसों कटी थी तो मैंने कटिंग कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत ऊंचा अभी पेड़ को नहीं उगाना चाहता। तो ये पेड़ देखिए, और ये नींबू का पेड़ है। ये देखिए, ये नींबू का पेड़ है। ये नींबू का पेड़ छोटा था तो जो सरसों हुई है बहुत अच्छी हुई है, तो वो जब भारी होकर गिर गई तो उसने कुछ नुकसान कर दिया पेड़ों को, तो कुछ पेड़ टूट भी गए हैं जिनको मैं रिप्लेस कर दूंगा या उनको ठीक कर लूंगा थोड़े दिन में। आज हम इसमें खाद प्रबंधन भी करेंगे। ये देखिए, ये नींबू का पेड़ है, एक ये पेड़ है। ये बहुत ही अच्छा नींबू का पेड़ है जो बारहमासी है, जो मैं मलिहाबाद से लाया था, बेसिकली उन्होंने कलकत्ता से मंगा कर दिया था। देखिए इसमें कितनी फुटान आ रही है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें वो चल रही है। अभी यहाँ पर घास है जो दिख रही है, वरना आप देखेंगे कितनी अच्छी इसमें फुटान चल रही है। अब इसमें पहला अंतर देखिए कि इसकी पत्तियों का साइज, इसकी पत्ती छोटी होती हैं और एक तरह से देखिए थोड़ी सी लंबी भी होती है, ये छोटी चौड़ाई में कम होती हैं और थोड़ी लंबी होती हैं। ये देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं। ये लेमन है, ये थाई सीडलेस लेमन है, इसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं। दूसरा देखिए, इसकी जो डंडी हैं, जो शाखाएँ हैं, वो थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव की तरह होती हैं। और ये देखिए, ये जो मेरा नींबू का पेड़ है इसमें ऊपर की तरफ होती है, आप देखिए हमेशा ऊपर की तरफ चलेंगे, ये कभी भी नीचे नहीं है। ये दूसरा खास अंतर है। तीसरा अंतर मैं बताऊंगा कि जो आप देखेंगे कि जब वैसे तो सीडलेस कहते हैं लेकिन सीडलेस नहीं होता कोई भी चीज़, तो लेमन में
ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 6 बीज होते हैं, एक से लेकर 6 बीज तक होते हैं। और जो नींबू है, नींबू में कम से कम 6 बीज होंगे और उससे ज़्यादा ही होंगे। ये भैया तीसरा अंतर। जो चौथा अंतर है, आप देखेंगे किसी भी नींबू को देखिए ध्यान से, और लेमन को भी देखिए, तो नींबू गोल आकार का होता है, बिल्कुल गोल आकार का होगा, और लेमन जो है थोड़ा अंडाकार होता है। ये देखिए ये मेरे पेड़ हैं जिनको मैं आज कोशिश करूँगा कि इनको इसके आसपास साफ़ करा के, क्योंकि इसमें मैं अभी गुड़ाई कराऊँगा, इसमें मुझे उड़द बोने हैं बीच में, और उड़द की लंबाई ज़्यादा नहीं होती तो पेड़ भी सुरक्षित रहे। तो अब बात करते हैं हम इसकी चौथे उसकी, कि आप देखिए ये गोलाकार होता है नींबू, और ये जो लेमन है ये आपका थोड़ा सा अंडाकार होता है, और दोनों तरफ थोड़ी सी चोंचली होती है। और पांचवा अंतर बहुत ही अच्छा है, नींबू कभी भी 40 ग्राम से बड़ा नहीं होगा, अधिकतर वैसे ज़्यादातर जो है ना 20 ग्राम से 30 ग्राम अधिकतर मिलता है, और जो लेमन है वो कभी भी 40 ग्राम का मुश्किल ही मिलेगा, 40 से बड़ा ही होगा हमेशा। तो जितना बड़ा होता चला जाता है, बहुत लोग हैं कभी नींबू लगाते हैं तो कहते हैं जी हमारे तो बहुत बड़े बड़े नींबू आए इसमें जो है ना, तो वो नींबू नहीं लेमन होते हैं, और उनको साधारण भाषा में गलगल बोलते हैं। अब जो ये लेमन है ये अधिकतर अचार के काम आता है, आपने देखा होगा कि इसको अचार में काम आते हैं, और इसकी जो एक तरह से ये फैमिली होती है, जो परिवार होता है, ये साइट्रस परिवार का होता है, जिसमें कि लेमन और लाइम माल्टा वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये साइट्रस परिवार का होता है, और इसमें एक रोग बहुत आता है जिससे कि इसकी पत्तियां झुलसने सी लगती हैं, और उसको कैंकर रोग बोलते हैं, एक तरह से उन पे धब्बे पड़ जाते हैं, और जो धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे अभी नहीं है मेरे यहाँ पे, मैं तो वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करा रखा हूँ, और कभी कभी ये पत्तियाँ मुड़ भी जाती हैं। ये देखिए ये पत्तियाँ इसकी मुड़ गई, ये पुरानी पत्ती है, तो इसमें एक मकड़ी सी होती है, और एक मकड़ी के तारे का वो जाला बुन देती है, तो ये जो है ना इकट्ठा हो जाता है। तो अब इस पर हम इसका वेस्ट डिकम्पोजर पत्ती के रस का छिड़काव करेंगे, और ये बिल्कुल स्वस्थ पेड़ हो जाएंगे, आगे कोई रोग नहीं आएगा। इसकी जो प्रोपेगेशन होती है, जो नए पेड़ बनते हैं, वो एयर लेयरिंग मेथड से बनाते हैं दोनों की, क्योंकि आप देखेंगे इसकी डंडी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, तो इसे एयर लेयरिंग के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम गुट्टी बांधना कहते हैं। सबसे अधिक प्रचलित जो तरीका है वो इसकी गुट्टी बांधने का है। तो नींबू हो या ये आपका लेमन हो, नींबू की एक खास बात है मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आपको कोई अच्छा नींबू मिलता है तो उसके बीज इकट्ठे कर लीजिए, बहुत बढ़िया नींबू मिलता है तो उसके बीज कर लीजिए, और उन बीज को बोइए, थोड़ा 3-4 साल लगेंगे, लेकिन उस पर उसी प्रकार के नींबू आएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं ये, मुझे एक IRI में शर्मा जी प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया था कि अगर आपको कोई नींबू अच्छा मिलता है तो उसके बीज इकट्ठे कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, उनको बोइए, और आपको बहुत अच्छे नींबू मिलेंगे। अमरूद की तरह नहीं है के उस पर L49 ही आएगा या नहीं आएगा ऐसी गारंटी नहीं, लेकिन नींबू में होता है, ये भी देखे कितनी अच्छी बात है। तो आज मैं इसमें ट्रैक्टर चलवाऊंगा जिससे कि सब घास ख़त्म हो जाए और उड़द बो दिया जाए, और इन पेड़ों के आसपास में खुदाई करके थोड़ा खाद लगवाऊंगा, और इनमें इनकी ताकि के अच्छी तरह से फिर जब पानी आए थोड़ा पानी भी दिलवाऊंगा कि देख रहे। नींबू में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको, कि इसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में नहीं देना है, पानी तो अमरूद में भी ज़्यादा नहीं देना है, एक संतुलित मात्रा आपको में पानी देना है, और नींबू में तो बहुत कम आता है क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है, और जितनी खुश्की इसको मिलेगी उतना ही अच्छा नींबू आपका आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार इसका खाद का प्रबंधन करते हैं और इसकी देखरेख करते हैं।